here on Zoom channel and I'm on the second episode of my special show Street Diaries. और इस बार हम वेलकम करने वाले एक स्पेशल गेस्ट को जिन्हें खाना खाना बहुत पसंद है, स्पेशली नॉन वेज. और इसी के चलते हम आए हैं यहाँ पर मोहम्मद अली रोड. सो लेट्स नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड वेलकम द गेस्ट इकबाल खान. Hey everybody, hi, hi, hi. And now we are going to cherish some lovely memories. Absolutely. आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हो? मैं यहाँ पे इनफैक्ट आता तो बहुत बार हूँ, लेकिन मैं इनफैक्ट यहाँ पे शूट भी दो तीन बार कर चुका हूँ. यहाँ के आसपास की बहुत सारी जगहों का खाना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे स्पेशली तो, और ऊपर खाने वो बैठने बैठने का इंतजाम भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे. दैट्स व्हाई हम काफ़ी रेगुलरली आते हैं. हम ज़्यादा वेट नहीं करने वाले एंड वी आर गोइंग टू टेक इकबाल खान अपस्टेयर्स फॉर द स्पेशल फूड. यस एब्सोल्युटली, लेट्स गो किल सम फूड. ऑसम, चलिए चलते हैं. Now we are going to take Iqbal Khan to our special place in Shalimar, which is Dastar Khan. Come, let's inside this, like special, this special thing. So, we have reached this special place, which is called Dastar Khan of Shalimar. And with me today, I have introduced him already. So, let's see now what he loves to eat. What do you like to eat, you know, Iqbal? Because I'm from Kashmir, so there is a वाजवान एक चीज़ होती है, बड़ी स्पेशल होती है, और उसमें बहुत किस्म के मटन डिशेस होते हैं. चिकन एक बड़ा ही उसको थोड़ी अजीब सी नज़रों से देखा जाता है चिकन की डिशेस को. हाँ, मतलब चिकन खा रहा है बेचारा वैसा, थोड़ा इतना इंसल्ट है चिकन के लिए. okay. मतलब चिकन हो. So, आप लोग ज्यादा क्या यानी कंज्यूम करते हैं? आई वांट टू नो योर मेमोरीज अबाउट यू नो बीइंग इन कश्मीर एंड एंजॉयिंग द फूड ओवर देयर, वहां का साइट सीइंग एंड यू नो हाउ द मेमोरीज आर. आई डोंट रिमेंबर, फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई रिमेंबर वेरी लेस वेजिटेरियन फूड. नाउ आई लव वेजिटेबल्स, यू नो आई लाइक टेनली, आई लाइक पड़वल, आई लाइक व्हाट यू कॉल इट, फ्रेंच बीन्स, आई लव ऑल दिस, आई लाइक भोपला इज माय फेवरेट, भिंडी. सो ये बट ये मैंने बॉम्बे आके ज़्यादा एक्सप्लोर किया है. पहले भी हम बोर्डिंग स्कूल रसूम पढ़ता वो करता था, लेकिन बॉम्बे आके स्टार्टेड लाइकिंग वेजिटेबल्स मोर. बट जब तक कश्मीर में था मैं, तब तो मेरे ख्याल से हमारा स्टेपल डाइट होता था राइस और एनी मटन डिश और साग. और कश्मीर की बात करें तो आप कितने साल तक कश्मीर में थे? मैं तो मेरे पेरेंट्स तो अभी भी वहीं रहते हैं, तो मैं साल में तीन चार बार जाता हूँ. तो बट सिक्स स्टैंडर्ड तक मैं वहीं पे था, उसके बाद मैं सिर्फ छुट्टियों में वापस जाता था. तो मेरी मेमोरी खाने की वहाँ पे जो कश्मीरी वाजवान है, वैसा खाना आप रोज़ नहीं खा सकते, क्योंकि वो घी में बनता है. उस वो जो मटन डिशेज होती हैं उनको एक स्पेशल टेस्ट के लिए उसमें फैट ऐड किया जाता है. बट वहाँ के खाने का बात करें तो इफ़ आई सी द कश्मीरीज, दे लुक सो ब्यूटीफुल एंड दे आर सो यू नो दे हैव सच अ ग्लोइंग स्किन एंड आई कैन सी दैट इन यू एज वेल. सो फिर स्किन इतनी कैसी ब्यूटीफुल होती है? मेरे ख्याल से वहाँ पे वेदर की वजह से, यूजुअली आई थिंक वो वहाँ पे क्योंकि ठंड होती है और ठंड की वजह से नॉन वेज ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ सर्टेन काइंड ऑफ अ हीट, बट इन दैट वेदर यू हैव टू ईट दैट. मतलब इट्स एनी कोल्ड प्लेस यू सी आर मीट ईटर्स, इट इज इट्स अ नेचुरल थिंग. यू नो कश्मीरी होम फूड यू कैन ईट मटन एवरी डे, बट द वाजवान दैट यू कांट ईट एवरी डे अनलेस यू वांट टू गेट एडमिटेड. व्हेन यू शिफ्टेड फ्रॉम कश्मीर टू बॉम्बे, what was the change you noticed suddenly and it was like very difficult to adjust also and it took time for you to adjust? So for me, my opening has been very slow. Yeah. So I was in Kashmir when I went to a boarding school in Himachal. Mm. So there was a bit of an opening there. And then I went to Delhi to do my college. So there was a bit of an opening there. Then I shifted to Bombay. Agar Kashmir se seedhe Bombay aata to there, you know, it is, it's like, mm. it would have been a cultural thing for me. डिफरेंस, बट थोड़ा करके जब आप जिंदगी थोड़ी थोड़ी जब खुलती है आपके सामने, तो आप भी थोड़ा नॉर्मल होते हो. जब अचानक यू नो आप पेड़ से लेकर सीधा आप पानी में कूदते हो, तो वो फिर अजीब हो सकता है. बट माई ओपनिंग हैज बीन स्लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक रहा है. ऑल्सो बॉम्बे की ऐसी कौन सी डिश है जो आपकी बहुत फेवरेट रही, जो आप चाहते हो कि कश्मीर में आना चाहिए?
I have to be very honest. मुझे बॉम्बे जैसी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं. ये सबसे माइंड ब्लोइंग जगह है जहाँ पे लोग आपको प्यार करेंगे एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में दखल भी नहीं देंगे. ये जो चीज़ होती है कॉम्बिनेशन जो बहुत कम जगहों पर होता है और वर्क कल्चर जो बॉम्बे का है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है. लेकिन हैविंग सेड दैट आई हैव टू से कि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था तो मैं खाना अच्छा नहीं होता था. मतलब आपको अगर टिपिकल मुगलाई खाना खाना है तो अगर मैं वर्सोवा में रहता हूँ तो मुझे ऑल द वे मोहम्मद अली रोड आना है खाना खाने. हर जगह वो और अगर आप आँख बंद करके दाल और राजमा और भिंडी खा रहे हैं इट बी सेम टेस्ट यू नो ऐसा होता था. ओवर द ईयर्स द फूड हैज़ बिकम बेटर नाउ यू नो अलग अलग किस्म के क्विज़ीन्स आए हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है. नाउ अभी तो हर किस्म का खाना मिल जाता है और बढ़िया तरीके से मिल जाता है. शालीमार जैसी जगहें तो ऑलमोस्ट हेरिटेज चीज़ है तो दिस इज समथिंग डिफरेंट. And as we continue to talk and also we should be ordering something, पर उसके बीच में मुझे आपको ये जरूर पूछना है कि आपके कॉलेज डेज में और स्कूल डेज में if you remember something which you would consume the most खाने में. हाँ, so मैं कॉलेज में तो दिल्ली में था मैं तो वहाँ पे हलाल उन दिनों हलाल बहुत कम मिलता था तो मोस्टली बाहर का नॉनवेज कम खाते थे. हाँ जामा मस्जिद में स्पेशली रमज़ान के टाइम पे जो वो पराठे वाली गली है वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे वो जो जो नॉनवेज मिलता था वो बहुत बढ़िया होता बहुत मज़ा आता था. वहाँ की फिरनी भी स्पेशल होती थी. और स्पेशल जब आपका जब मैं बोली स्पेशल डेज पे आप जाते होगे विद योर गर्लफ्रेंड आप उसको क्या खिलाते थे? गर्लफ्रेंड तो मेरी थी कभी बनी नहीं ना मैं तो सीधी शादी की थी. उसने ऐसे शादी से पहले उसको मटन अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब उसको मटन बहुत अच्छा लगता है तो हम यूजुअली नॉन वेज घर पे खाते हैं. शी मेक्स वेरी गुड मटन देन चिकन. When it comes to your beautiful kids, what do they prefer consuming? Oh, they are also complete non-vegetarians. Choti wali to abhi 1.5 saal ki, I can't really figure out. But Amara definitely, she prefers non-veg. Hum bahut koshish karte hain usko sabziyan khilane ki. Lekin for a special occasion raha hai, you know, Iqbal, especially say maybe when you proposed Sneha or when you got married or when you know something you got a big project or tabhi ek special dish aapne khud ne banayi ho or maybe you tried introducing something from some place. Mujhe cooking aati hai kisi ko batana mat kyunki maine ghar mein bata rakha mujhe nahi aati. Acha, wo isliye kyunki main nahi banana chahta. Simple hai uska to बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट हमारी शादी में तो 22 लोग थे एक्चुअली. स्नेहा और मैंने वो जो जगह चुनी थी वो सिर्फ उसने चुनी थी क्योंकि वहाँ की दाल मखनी बहुत अच्छी होती थी प्योरली बिकॉज ऑफ दैट. और मुझे मेरी मॉम के हाथ का बना हुआ टमेटो चिकन बहुत अच्छा लगता है जो स्नेहा ने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है उसको आता है वो बनाना. और अब तुम्हारे घर में कुक को भी पता है वो कौन सा चिकन है. और ऐसी कोई स्पेशल डिश मुझे एक्चुअली मेरे माय वाइफ इज प्रीटी सिक ऑफ मी इन टर्म्स ऑफ द नॉन वेज थिंग बिकॉज मतलब उसके फेस पे एक अलग सा एक्सप्रेशन होता है कि आज नॉन वेज नहीं बनाए. मैंने बोला क्यों नहीं बनाएंगे तो कम से कम चिकन तो होना चाहिए. मुझे पता हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन या तो शायद क्योंकि जब जो आदमी काम करता है बेसिकली शूटिंग इज़ जब शूटिंग होती है वो काफ़ी थोड़ा हार्ड मतलब फिजिकली बहुत मतलब यू आर स्टैंडिंग थ्रू आउट द डे एंड ऑल. सो आई बिलीव दैट इफ डाइट शुड बी नाइस एंड मैं अपने आप को मैं थोड़ा थोड़ा सब खा लेता हूँ. मैं महरूम नहीं रखता अपने आप को कि आई सिर्फ मीठा नहीं खाऊँगा फ्राइड नहीं खाऊँगा. खा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा और मुझे ऐसा अपना बॉडी क्योंकि यू नो योर बॉडी द बेस्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक नॉन वेज सूट्स मी इन टर्म्स ऑफ लास्टिंग लॉन्गर इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड यू वर्क आउट शेड ऑल्सो सो जस्ट इट जस्ट लास्ट लॉन्गर इन योर सिस्टम देन आई फील हंग्री
faster when I eat vegetarian food. Okay. Non-veg lasts longer. And when you were struggling, when you came this side, when you're working in TV industry, when you're working for Bollywood, what was that food which you preferred consuming? Because kaam pe bhi jao, set pe to aap khate hi hoge, but something you would cook for yourself before you got married. So to be very honest with you, I used to live in Seven Bungalows that time, on Yari Road. And we could not, obviously, a bunch of us, we, you know, and everybody has the sob story. And, you know, these days people are making up also story. So, mujhe kehne mein bhi ajeeb lag raha hai. But it has genuinely happened, so I'll say. Me and my friends, there used to be this little restaurant called Annapurna. A little dhaba kind of a thing. So we used to only stick to dal rice at that time. Very rarely one would eat non-veg at that point of time. It's not that we could not afford it, we didn't come from those families. But then when you come here, we make a decision that you want to come here, you don't want to trouble your parents into all that. And obviously this kind of, when you don't have finances, you don't want to call up your parents and scare them that you are in this kind of a situation. So you go through that stage, it also teaches you a lot. So quickly now, we are not going to make him wait and make him have dal chawal. Let's see ke menu mein kya hai aur kya order karna hai aapko. Theek hai? और आप मेरी खांसी की वजह जान रहे होंगे, बिकॉज वी हैव ऑर्डर सम स्पेशल. ये क्या है फिलहाल? चिकन रोल बीफ सिग्नल. ये काफी टेस्टी लग रहा है ऑलरेडी. एंड बिकॉज हम लोग डाइट कॉन्शियस भी है, तो कुछ हेल्दी चीजें भी हम मंगाते हैं, विच इज मौसमी जूस. जस्ट टू मेक इट क्लियर, वो जूस मैंने नहीं मंगाया. हाँ, वो इकबाल ने नहीं मंगाया है. चिल्ली फ्राई लैम ड्राई जो इकबाल कंज्यूम करने वाले हैं. मुझे, मैं इस चीज में मानता हूँ कि अगर आप, इफ यू गोइंग ऑल आउट देन यू गो ऑल आउट. ओके, हम नहीं चाहते कि मैं किसी का भेजा नहीं खाता. हाँ. तो मैं ये वाला खा लेता हूँ. और मैं काफी लोगों का भेजा खा जाती हूँ. आई थिंक आई नीड सम भेजा इन मी ऑल्सो. तो चलिए शुरुआत करते हैं खाने की एंड टेस्ट करते हैं एंड इनके ओपिनियंस लेते हैं. द क्रिटिक इज योर. ये मैं प्लीज ये मेरी स्पेशल डिश है. ये बॉम्बे में शेजवान का जो सॉस होता है, वो लोग हर चीज खा सकते हैं. बिरयानी के साथ भी लोग शेजवान खा सकते हैं. काफी सारी फूड आइटम्स है. आई वांट टू फर्स्ट टेस्ट. भेजा 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 इज नॉट समथिंग दैट यू ईट एवरी डे. एंड हमारे घर में तो आई थिंक ज्यादा बनता भी नहीं. बट देयर इज नथिंग लाइक भेजा मैन, आई एम टेलिंग यू. रियली, भेजे की बात करें, आप किसका भेजा फ्राई करते हो? मैं नहीं करता ज़्यादा. अच्छा. मैं घर में थोड़ा मेरा किया जाता है. अच्छा. बिल्कुल. हाँ. I'm surrounded by three girls. One is my wife and I have two daughters. Yeah. So those three are enough. Enough for you? Yes, yes, yes. Okay. Let's try this. Lamb chili something. Very nice. It's good. Yeah. The meat is achhe se soft and all. Very nice. Very nice. Yeah. Lovely. And moving on to chicken item, जो आप जल्दी नहीं खाते, जिसे आप वो, यानी जो इंसान बीमार होता है वो चिकन खाता है, according to Iqbal. मैं तो चिकन रोज खाता हूँ. हम जैसे कश्मीर में उन दिनों. कश्मीर में, yeah. पहले. हाँ. तो चिकन वही खाता था जो भी. पर ये मुझे हमेशा याद रहेगा, आप लाइक यू नो जो बीमार है वो चिकन खाता है. Very nice. So, ये पास हो चुका है और अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं टू कंज्यूम दिस अमेजिंग फूड. आई हैड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. यू ऑल्सो वर्क्ड विद कियारा आडवाणी एंड इन अ मूवी. एंड व्हाट वुड शी प्रिफर कंज्यूमिंग एंड व्हाट यू हैव हैड विद हर? यू नो, we only got to shoot the climax together because my track and the rest of the film's track was completely different. So we only shot like that one climax together.
एंड आई थिंक लुकिंग एट हर मुझे तो नहीं लगता वो ज्यादा खाना खाती है. एंड कौन से ऐसा एक्टर जिसके साथ आपने शूट किया जिसका खाना खाना आप यानी जिसका खाना आपने भी खाया होगा एंड यू रियली लव द काइंड ऑफ फूड दे गेट? सो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो ही डजंट एक्ट एनी मोर, सलील अंकोला. घर से खतरनाक खाना लेके आता था, बहुत ज़बरदस्त. और उसकी जो वाइफ हैं रिया, वो डॉक्टर भी हैं और डाइटिशन भी हैं, और वो बड़ी माइंड ब्लोइंग सी खाना बनाती हैं. वो मतलब बिकॉज ही इज़ अ गोश्त खोर, तो वो शी मेक श्योर दैट कि कुछ ऐसा खाया जाए जिससे उसका भी मन लगा रहे और बाकी सब भी उसमें डाइट वाइट हो जाए. तो शी इज वेरी लकी, उसके घर से बहुत माइंड ब्लोइंग खाना आता है. हैव यू एवर गिवन अप ऑन फूड और लाइक हैव लाइक बीन ऑन सम स्ट्रिक्ट डाइट फॉर योर प्रोजेक्ट्स एवर? यस, इनफैक्टली मैं बिल्कुल खाना ही छोड़ देता हूँ. अच्छा. हाँ, जब मैं सो जाता हूँ उसके बाद. रियली? हाँ, एक बार मैं सो गया फिर मैं खाना नहीं खाता. तो आपने कभी गिव अप किया ही नहीं है लिटरली. And now we come to our final leg, the last leg, which is Shalimar Faluda. Oh my God! ये मेरा काफी special है, so I really want एक बार to also try this out. इसको अच्छे से पहले mix करना होता है. ये चाशनी है नीचे. आप इसको चाहे कितना भी mix कर लो, ये आपकी वाट लगाएगा. छोड़ेगा नहीं आपको. हाँ, इसके बाद में इकबाल अगर आपको कहीं पर भागते हुए नजर आए नरीमन पॉइंट पर या कहीं और, सो जस्ट रियलाइज व्हाट मेड हिम रन. I'm just saying, क्योंकि मैं चश्मे पहने क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं चाहता कि आप खाना खाने को. अच्छा, इसके बाद अगर इकबाल आपको इस पार्क ऑनर में मिल जाए तो यू नो माई इजी. I told you. Nice. You can't just have one this yes. chamach of it. I must say that. I must tell you that, and I will not do it. But what I can do with this is, I'll just mash the ice cream inside, and take the glass and cut to it because everything inside is yummy. Tasty wala faluda hai. Tasty wala. So I have to ask you before I let you go about your upcoming projects. What are you working on and what is keeping you busy? So basically, मैं पिछले दो साल से continuously काम कर रहा था और मैं family को उतना time नहीं दे पा रहा था जितना देना चाहिए. दे रहा था लेकिन उतना नहीं जितना. तो मेरा show अभी भी खत्म हुआ है, ना उम्र की सीमा हो. तो अब थोड़ा सा एक छोटा break ज़रूरी. तो काम तो होता रहता है लेकिन काम भी इंसान फैमिली के लिए करता है. कम से कम मैं तो करता हूँ. तो वो अभी मेरा वो चल रहा है फैमिली के साथ वक्त. वाह, क्या बात है. बट आई लव दिस एंड ऑन दिस नोट मीठी मीठी बातें करते हुए वी आर गोइंग टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन. एक बार कभी खुद का एक शेफ शो या खुद का एक यू नो शालीमार जैसी कुछ होटल ओपन करना पसंद करोगे? मैं आइडिया दे सकता हूँ क्योंकि मैंने अगर खुद खोला तो आधा खाना तो मैं ही खा लूंगा. उससे मेरे एक्टिंग की दुकान बंद हो जाएगी. That's nice. And on that sweet note, we are going to consume more of Faluda yes. and celebrate success of Iqbal Khan and his work, his family life, his love life, and more to see from you. So, hi, this is Sameena Sheikh, and now this is not hi, this is a bye. Signing off from Street Diaries. Keep watching the special show where we talk about food and meet our special guests who talk about food and who love food. Goodbye. Drink this and sleep now.